हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेब्रा SESR कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जेब्रा कंडक्टर के बारे में। इससे पहले मैं और भी बहुत सारे कंडक्टर के बारे में बता चुका हूं, कुछ ही बच चुके हैं जिसमें से ये आपका जेब्रा कंडक्टर, जो कि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर जेब्रा कंडक्टर के बारे में बताएं, इसलिए ये वीडियो जो है सिर्फ जेब्रा कंडक्टर के बारे में है। तो जैसा कि इसकी साइज की बात की जाए तो कहीं कहीं पर आपको 400 स्क्वायर mm भी मिलेगा, बट मैंने यहां पर साफ लिख दिया है 420 स्क्वायर mm। तो बहुत लोगों का डाउट भी होगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, 400 स्क्वायर mm भी सही है और 420 स्क्वायर mm भी सही है। उसकी बात करें हम लोग की, इसमें एल्युमिनियम के जो स्ट्रैंड होते हैं, एक पीस को क्या बोलते हैं, या आपके नंबर ऑफ जो पीसेस दिख रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। और जो आपका एल्युमिनियम का स्टैंड होगा, जैसे ये ऊपर का दिख रहा है ये, ठीक है, व्हाइट टाइप का, हल्का व्हाइट टाइप का, ये सिल्वर कलर का दिख रहा है, तो वो आपका क्या एल्युमिनियम स्टैंड है। वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्टैंड इसके कितने होते हैं, 54। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा एक एक करके तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टैंड जो दिखेंगे एल्युमिनियम के वो 54 दिखेंगे। उसके बाद अगर इसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो किसकी होती है, स्टील की बनी होती है, उसकी स्टैंड की बात करेंगे तो 7 होता है। यहां पर फिगर में ज्यादा दिख रहा है बट ये आपका 7 होता है, आपको इसको याद रखना है। तो ये जो है आपको दिख रहे हैं बहुत सारे हैं, बट ये बहुत सारे नहीं होंगे क्योंकि ये जो ये फिगर दिया ये इसका जेब्रा का नहीं है, बट आपको याद रखने नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड सिर्फ 7 होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, 7 से ज्यादा भी है। तो 7 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड होते हैं और 54 एल्युमिनियम स्ट्रैंड होती है। अगर एक स्ट्रैंड की डाया बात की जाए, चाहे वो स्टील का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, तो उसका डाया कितना होगा, 3.18 mm का होगा। उसके बाद हम लोग वेट की बात करें कि वेट कितना होना चाहिए, तो वेट की बात किया जाए, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर का जेब्रा कंडक्टर है तो उसका कितना वेट होगा, 1621 kg पर किलोमीटर मैंने लिखा है। मतलब 1 किलोमीटर का अगर हमारे पास जेब्रा कंडक्टर तो उसका वेट कितना होगा, 1621 kg होगा। अब बात की जाए अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड की, कितना इसकी ब्रेकिंग लोड होगी, तो आपका कितना होगा, 130.32 kN का इसका अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए, जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस पाया जाता है वो कितना रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस पे बात की जाए तो 0.06868 ओम पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर कंडक्टर अगर हमारा है जेब्रा कंडक्टर तो कितने केजी का होगा, 1621 kg। तो उस 1621 kg में जो अगर ओम्स की बात की जाए, मतलब रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो आपका इतना वहां पर मौजूद रहता है पहले ही से। उसके बाद करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 65 डिग्री सेल्सियस पे बात की जाए तो 590 एम्पेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी कंडक्टर हो उसको किस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं 11000 में कौन सा कंडक्टर, इस तरीके से नहीं करते, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग कोई भी कंडक्टर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए कि जेब्रा कंडक्टर को कहां इस्तेमाल करेंगे, कहां यूज करेंगे, ठीक है, तो इसकी रेटिंग के हिसाब से ही हम लोग कोई भी कंडक्टर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर जो है 220 केवी की जहां भी लाइन होगी, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जहां पर हाई वोल्टेज लाइन होती है, मतलब 220 केवी की जहां पर भी लाइन मुझे ट्रांसमिट कराना होता है, वहां पर जो है आपको कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, जेब्रा कंडक्टर। तो 220 केवी की अगर कहीं पे लाइन जा रही है तो वहां पर जो है आपका जेब्रा कंडक्टर का यूज होता है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।